खबर छतरपुर से है, जहां पिछले एक माह से प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद में दोनों पक्षों के एक एक युवक घायल हो गए। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्ग कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि घायल युवकों में दीपेंद्र सिंह व दयाल शर्मा है। जहां दीपेंद्र सिंह के बाह में गोली लगी तो वहीं दयाल शर्मा के कमर में गोली लगी है। आज सुबह 11:15 पर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र सिंह। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी के नाम श्री महंत सिंह। कहां के रहने वाले हैं? सीताराम कॉलोनी। किसने क्या हुआ है? कैसे विवाद हुआ? ये विवाद हुआ प्लॉट के पीछे। कहां पर था आपका प्लॉट? दुर्गा कॉलोनी में। कब से विवाद चल रहा है? एक महीने से चल रहा है। कौन कब्जा कर रहा है? मंगू चौरसिया। आज क्या हुआ? आज हम प्लाट देखने गए, वहाँ 7 लोग मौजूद थे। उन 2-3 लोगों ने हमें पकड़ा। मंगू चौरसिया ने हमें पिस्टल का फेर मारा। वहाँ से हम जान बचाकर भागे। इस प्लॉट के पीछे हमने कोतवाली में भी शिकायत करवाई थी, हमारे बड़ी भैया ने की थी। हमारे बड़े भैया का नाम है हमारे हेमंत राज कुतुनी, ये नाम हमारा प्लॉट है। हैं, चाचा संबंधी हैं वो हमारे। तो कैसे फेर कर दिया? पिस्टल से फेर मारा उन्होंने। कितने जगह गोली लगी? हमें एक ही जगह। एक जगह? हाँ, एक जगह। कहाँ पर, कैसे आया? हम एक दोस्त को पकड़ कर आए अपने। अच्छा। हाँ। और कोई घायल है? नहीं, हम ही बस थे वहाँ। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? जी मनोज शर्मा। मनोज जी, बताओ किस तरीके से ये घटना घटित हुई है, किन लोगों ने गोली मारी है, क्या वजह है? सर जी, हम वहाँ पे एक सामने हमारे खाली प्लॉट खड़ा हुआ है मंगूराम जी का, है ना। तो हम वहाँ पे रह रहे थे, आग सेक रहे थे, कुर्सियों में 4-5 आदमी बैठे हुए थे। 4-5 आदमी क्या, मैं, मेरा मामा, बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे हम लोग। अचानक जो है कम से कम 10-12 मोटरसाइकिल आई हैं, उसके ऊपर कम से कम भी 20-25 आदमी सवार थे। सबके हाथ में कट्टे थे, लाठियाँ थी। आज उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ये पूछा ये जो है आप यहाँ कैसे बैठे हो। मैंने कहा भैया प्लॉट बन रहा है हमारा, इसलिए बैठे हैं। सीधा आकर उन्होंने सीधा मारना पीटना चालू कर दिया है हमें, है ना। मेरे मामा के लड़के को सीधे उन्होंने गोली मारी है। जब हम भागने लग गए तो सीधे मामा के लड़के को गोली मारी है। मामा का लड़का मेरा गिरा है, गिरने के साथ साथ वो जो है किसी के घर में हम उसके जो है लेके गए हैं, सामने वालों के घुसाया है हमने। एक और भी घायल है उनका, आप लोग तो बाहरों पे गोली मारा। वो हमारा जो है मामा है, हमारा मम्मिया ससुर है, मेरे भाई का ससुर है, उनका जो है पता नहीं, उसको बहुत लाठियों से मारा, इतना मारा, उसको संग में ही लेके गए हैं वो लोग। अपहरण कर लिया है? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ गोली लगी है? उनके कूले में गोली लगी है सर। एक दूसरा लड़का भी घायल हुआ है, उसका आरोप है कि आप लोगों ने? नहीं बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास कुछ नहीं था, ये सब बनावटी बातें हैं, ये कुछ नहीं था सर। मैं वहाँ पे और हमने पूरा मोहल्ला सबूत है इस बात का। क्या लगता है कौन लोग होंगे सर? ये जो है मोहाल के जितने भी वहाँ पे जो ये आवारा लड़के होते, आवारा क्या, पीछे मोहल्ले वाले के हैं, बराबर वालों को सब पता है कि ये कौन लड़के हैं कौन नहीं है। मोहल्ले वाले सब जानते हैं, हम लोग यहाँ के नहीं हैं। हम लोग जो है महोबा के रहने वाले हैं, बाहर फरीदाबाद में रहते हैं सर। क्या जमीनी विवाद लग रहा है? नहीं सर, हमारा प्लॉट है यहाँ पे, प्लॉट हमारा जो है 2006 की रजिस्ट्री है माता जी के नाम पे, प्लॉट हमारे सारे कागज ओके हैं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है हमारा। सिर्फ दादागिरी से हम लोग बाहर के हैं, मतलब इसी वजह से ये लोग जो है नाजायज सता रहे हैं हमें। साथी का कोई पता चला? पुलिस को सूचना दी है कि आपका एक मैसेज व्यक्ति? हाँ जी पुलिस को बताया है हमने। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस कह रही चलो ढूंढते हैं उनको, जो है जो मिलता है हम बताते हैं। इसमें पूछताछ की जा रही है और इसमें फिर अपराध अंगीकृत किया जा रहा है। इसमें जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। और अरे इसे बोतल में ऐसे निकाल ले रहे हैं यार, निकाल ले रहे। सर अभी एक सूचना आ रही है कि एक व्यक्ति गायब है, उसकी जाँच की जा रही है, वो कहाँ गया है और पुलिस टीम लगी हुई है। अभी तो 2 लोगों का आया है, इसमें 2 लोग अभी एडमिट है।